हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मा ग्रुप की कंपनी मार्कसन फार्मा के बारे में। क्या इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हैं, फंडामेंटल कैसे हैं, टेक्निकल्स कैसे हैं, पैसा इसमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, किस लेवल पर लगाना चाहिए, किस टारगेट्स के लिए लगाना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक शेयर डिस्कस करना चाहता हूँ नियोजन फार्मा, जो मैंने 1 दिसंबर के आसपास आपको रिकमेंड किया था। इसका वीडियो भी मैंने पोस्ट किया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। उस टाइम इसका लेवल जो था 623 के आसपास का था, 620। वहाँ से इसने कंटिन्यूस राइज दिया है और हमारे जो टारगेट थे 900 के बनते थे इमीडिएट, और लॉन्ग टर्म में इसके डबल के भी चांसेज हैं। और आप 3 साल रखते हैं तो 2000 तक के भी ये शेयर इजिली जा सकता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आप देखेंगे, एक रेंज में ये चल रहा था और 600 के लेवल अच्छा इसका स्पोर्ट जोन बना हुआ था। आप देखिए 600 का जो लेवल था स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बना हुआ था, एक नैरो रेंज में ये काम कर रहा था जिसको इसने अब बीट किया है। तो 623 का उस टाइम प्राइस था, इस टाइम जो प्राइस चल रहा है 751 के आसपास का चल रहा है। आज इंट्राडे में इसका 780 इसने टच किया और सून और 1-2 महीने में हो सकता है ये हमारे टारगेट को अचीव भी कर ले, 900 प्लस चला जाए। बट हमारे जो टारगेट्स हैं लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं, डबल के और देन ट्रिपल के भी इसके टारगेट्स हैं। आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक फार्मा सेक्टर की कंपनी मार्कसन फार्मा के बारे में। ये आप इसकी वेबसाइट देख सकते हैं, फार्मुलेशन R&D और ग्लोबल काम करती है ये, ग्लोबली इंडियन कंपनी है मार्कसन फार्मा। आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट, सब्सिडरीज हैं इसकी, छोटी कंपनी है। अभी मैं बताता हूँ इसका जो लाइव मार्केट में इसका अभी प्राइस चल रहा है मार्कसन फार्मा का, वो 61 के आसपास चल रहा है। NSE पे 60.95 है, जो 52 भी खाई है 66 है, और लो जो है 10 के आसपास का है इसका, जो अभी रिसेंटली इसने COVID-19 में बनाया है। अगर डेली चार्ट पे इसे देखेंगे तो वेरी बुलिश है, वीकली चार्ट पे देखेंगे टेक्निकली तो वेरी बुलिश है, मंथली पे देखेंगे तो वेरी बुलिश है। मार्केट कैप जो है इसका 2533, जैसे मैंने बताया स्मॉल कैप कंपनी है, 2533 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 1 है, डिविडेंड परसेंटेज जो देता है 10% की है, डिविडेंड यील्ड जो बनती है 0.16 की बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डिलीवरी जो इसकी जा रही है 45% के आसपास जा रही है, जो कल गई है 44.9% के आसपास गई है। 3 डे का जो आप देखेंगे एवरेज डिलीवरी का 42.94 है, 5 डे का 43.53, 8 डेज का 43.43 है। डिलीवरी परसेंटेज क्या होती है, जो टोटल शेयर्स हमारे ट्रेड करते हैं मार्केट में, जो ये टोटल शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, उसमें से बहुत से शेयर ऐसे होते हैं जो इंट्राडे लोग लगाते हैं और अपनी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं इवनिंग में, और जो लोग डिलीवरी लेते हैं वो डिलीवरी परसेंटेज ये है, बाकी जो होती है इंट्राडे में ही क्लोज हो जाती है पोजीशन, उसको डिलीवरी बोलते हैं। इंडस्ट्री पी जो है 39.49 की है, इसकी पी जो है 38.42 की है, जो अपनी इंडस्ट्री पी के आसपास ही ऑलमोस्ट काम कर रहा है। डिविडेंड मैंने बताया ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अब हम अपनी चेकलिस्ट देख लेते हैं टिकट और साइट पर कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस शेयर ने जो रिटर्न्स दिए हैं उसको अगर बैंक FD से अगर कंपेयर करते हैं तो इस बताया गया है कि बेटर रिटर्न्स इसने दिए हैं बैंक FD से। डिविडेंड रिटर्न्स जो हैं वो मैंने बताया ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है इसके। एंट्री पॉइंट जैसे आपने देखा 52 वीक लो 10 का है, और इस टाइम ये शेयर प्राइस जो है 60-61 के बीच में काम कर रहा है, 6 टाइम हो चुका है ये, फिर भी यहाँ दिखाया गया कि गुड टाइम टू कंसीडर, ये अपने ओवरबॉट जोन में नहीं है। इवन ये अपने हाई पे काम कर रहा है, 66 इसका 52 वीक हाई है, बट स्टिल ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसको अभी भी कंसिडर किया जा सकता है बाय करने के लिए। ओवरबॉट जोन होता है कि स्टॉक अपने हाई पे काम करता है और लोग पागलों की तरह से खरीद रहे हैं तो वो ओवरबॉट जोन बन जाता है और शेयर वहाँ से करेक्ट हो सकता है। ओवरसोल्ड जोन होता है, यहाँ पर शेयर पिट रहा है, नीचे आ रहा है और लगातार गिरे जा रहा है, तो उसे ओवरसोल्ड जोन बोलते हैं, जहाँ पर शेयर बहुत ज़्यादा डाउन आ जाता है। तो ये अपने ओवरबॉट जोन में नहीं है, ऐसे कंसिडर किया जा सकता है। नो रेड फ्लैग, सेबी की तरफ से कोई ASM लिस्ट में नहीं है, ये GSM लिस्ट में नहीं है, कंपनी ने कोई शेयर प्लज नहीं कर रखे और कोई डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं है, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी इसमें दिखाई गई है, तो डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। जैसे मैंने बताया फार्मा ग्रुप की कंपनी है ये, स्मॉल कैप है, रैंक जो है 494 का है, जो ROCE है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 25.6% है, ROE जो है रिटर्न ऑन
इक्विटी 20.5 का है, अच्छी रिटर्न्स हैं इसकी। अगर वन ईयर का चार्ट देखते हैं तो 200 DMA के ऊपर स्टॉक काम कर रहा है सिंस 7 अप्रैल, जहां इसका प्राइस 17.75 था। फार्मा ने COVID-19 में अच्छा परफॉर्म किया है पूरे फार्मा सेक्टर ने। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो 10.70 24 मार्च को इसका लो था, ऑलमोस्ट 11 था, वहां से इसने 66 का हाई बनाया। आप देखेंगे 64 के आसपास का इसका हाई है, तो वहां से 6 गुना ये शेयर ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुका है पिछले 9 महीनों के अंदर, और अभी भी ये 200 DMA के ऊपर काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका बना हुआ है, तो 6 गुना रिटर्न दे चुका है। क्या ये शेयर को इस टाइम लेना चाहिए? ओवरबॉट जोन में तो नहीं है, बट किस बेस पे ये शेयर इतना राइज किया है वो हम देख लेते हैं, क्या रिजल्ट इसे सपोर्ट करते हैं शेयर प्राइस को इंक्रीज करने में। कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है और ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हो गई है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखते हैं, सेल्स जो है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स का, तो सेल्स जो है 218 से इंक्रीज होकर 356 करोड़ की जो है सेल्स हो गई है इसकी। मेन होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो 13% थे पहले कुछ क्वार्टर पहले, जो कि अब इंक्रीज होकर 23% हो गए, 10% राइज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29 करोड़ से इंक्रीज होकर 83 हो गया, ऑलमोस्ट 3 times हो गया है ये। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट जो है 17 करोड़ से इंक्रीज होकर 51, 3 times नेट प्रॉफिट भी इनका रहा है। सब इंटरेस्ट पे करने के बाद, खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं, जो कि 3 times हो चुका है यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने से क्या होता है, अगर सेल आपकी नहीं ज़्यादा बढ़ रही है तब भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से प्रॉफिट इंक्रीज होता है। अगर ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे, कंपनी 2009 में जो सेल्स दे रही थी 356 करोड़ की थी, जो कि अब इंक्रीज होकर 1134 करोड़ की सेल हो चुकी है इसकी, तो कंपनी राइज कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एनुअल बेस पे देखेंगे तो पहले 6% रहा करते थे, जो कि अब इंक्रीज होकर 17% के आसपास हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ से इंक्रीज होकर 192 करोड़ का हो गया है। नेट प्रॉफिट जो 2009 में था, कंपनी ने लॉस दिए थे -8K, -10, -223, -179, उस टाइम कंपनी ने सोचा भी नहीं था कि ये इस टाइम से ग्रो करेगी और प्लस में आगे खड़ी हो जाएगी 117 के, माइनस से प्लस में आ चुकी है कंपनी और अच्छे प्लस में आई है, 117 का इसने प्रॉफिट दिया है। अगर डेट देखेंगे कंपनी पे उस टाइम पे 2009-10-11 जहाँ ये कंपनी लॉस कर रही थी, तो 424 करोड़ का हाईएस्ट इसका जो डेट दिखाया गया है, जो कि अब रिड्यूस होकर 22 करोड़ के आसपास रह गया है। सितंबर क्वार्टर में भी इन्होंने अपना डेट जो है 22 करोड़ दिखाया हुआ है, जो कि अभी 100 करोड़ के आसपास था, अगर एक साल पहले का देखें तो 100 करोड़ से भी 22 करोड़ हो गया, और हाईएस्ट 424 से 22 करोड़, यानी 400 करोड़ का डेट इन्होंने रिड्यूस किया। डेट रिड्यूस होने से क्या होता है कि आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे कम करना पड़ता है। यहाँ पर ये 424 का था, सेल बहुत कम थी और इंटरेस्ट आपके लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट ही पे हो जाता है, तो नेट लॉस में ये जा रहे थे। जैसे जैसे इन्होंने अपना इंटरेस्ट बर्डन को कम किया है, प्रॉफिट्स इनके इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए हैं। रिजर्व्स आप देखेंगे 100 करोड़ के थे, जो कि इंक्रीज होकर 698 करोड़ के हो गए हैं। टोटल एसेट देखेंगे 642 से इंक्रीज होकर 1054 के हो गए हैं। डाटा इंप्रेसिव होता जा रहा है इनका, नो डाउट। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखते हैं तो प्रमोटर 48.25 की होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर से बिल्कुल मेंटेन किए हुए हैं। FII भी ने भी पैसा इसके अंदर लगाया हुआ है, DII का पैसा कम लगाया है बट स्टिल लगा हुआ है, उन्होंने कंसिडर किया है, उनकी लिस्ट में ये है। जैसे और फंडामेंटल इंप्रूव होते हैं तो यहाँ पर उनका स्टेक बढ़ सकता है। पब्लिक के पास 46% के आसपास स्टेक है इसके अंदर। चार्ट पे देखते हैं इसे, क्योंकि मैं जीरोधा का चार्ट यूज करता हूँ, तो जीरोधा पे देखते हैं, डेली फ्रेम लगा हुआ है, डेली चार्ट का है, तो आप देखेंगे कि स्टॉक पहले जो है 45 और 55 के बीच में काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया है पिछले 3-4 महीने। आप देखेंगे ऑलमोस्ट अगस्त से लेके यहाँ तक इसने नवंबर तक टाइम स्पेंड किया है 45 से 55 के बीच में। यहाँ पर इसने 55 गया, अगेन 45 आया, 55 गया, फिर 45 आया, 55 गया, अगेन ये 50 के आसपास आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया 18 नवंबर को। तो ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 55, जिसे ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, 1, 2, 3, 4 पांचवी बार में इसने ब्रेक किया है और 4-5 महीने लिए इसे ब्रेक करने में, तो यहाँ पर अच्छा कम्युलेशन हो रखा है, अच्छा स्पोर्ट जोन ये बन चुका है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है 60.90 के आसपास का लाइव मार्केट में,
कहीं पर भी ये शेयर आपको 60 से नीचे मिलता है और 55 के आसपास मिलता है तो आपको लेना चाहिए। हमारे जो टारगेट्स इसके अंदर बनते हैं वो 90 से ऊपर के टारगेट्स हैं, इमीडिएट 90 से ऊपर के हैं आने वाले 6 महीने के अंदर, और लॉन्ग टर्म में ये 120 प्लस शेयर जाएगा। मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ, इसका लाइफ टाइम हाई क्या है, जब फार्मा सेक्टर ग्रो कर रहा था और ये भी ग्रो कर रहा था। तो आप देखेंगे लाइफ टाइम हाई जो है इसका 115 रुपये का लाइफ टाइम हाई है और ये अभी 60 रुपये पर काम कर रहा है, तो ऑलमोस्ट जो है ये अपने हाफ पे काम कर रहा है इस टाइम भी। तो ग्रोथ पोटेंशियल इसके अंदर आप देखिए, फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हो रहे हैं, तो 60 रुपये का शेयर 120 जा सकता है और यहाँ से आपको डबल रिटर्न दे सकता है। अगर ये 2-3 साल भी अगर इसमें लेता है तो आपका पैसा डबल होता है और बैंक की RD और FD से कहीं अच्छा पैसा ये निकाल के दे सकता है। छोटी कंपनी है 2500 करोड़ की और डबल भी होती है 5000 करोड़ की बनती है, तो ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। डेट फ्री हो चुकी है, कोई रिस्क नहीं है, कोई सेबी की तरफ से कोई किसी ब्लैक लिस्ट में, डिफ़ॉल्ट लिस्ट में किसी में भी ये नहीं है, किसी वॉच लिस्ट में ये नहीं है, डेट फ्री है, रिजल्ट्स अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, लो लेवल पे आपको मिल रही है, अपने लाइफ टाइम हाई से 50% पे आपको मिल रही है। कहीं पर भी आपको ये 58 और 55 के बीच में मिलता है तो आपको अकोमोलेट करना चाहिए। इवन इस लेवल पर भी आप धीरे धीरे अकोमोलेट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 90 एंड देन 120 प्लस। जैसे ये इसको क्रॉस करता है तो आपको ये 150 प्लस भी मिलेगा। तो पोर्टफोलियो में इसे रखिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, धीरे धीरे अकोमोलेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।